ठाकुर जी जब सुनाते हैं ना तो कुछ महसूस होते हैं अंदर ठाकुर जी के पास, एक मतलब कृपा होते है, ये कभी कभी अनुभव होते है जिन हाँ ठाकुर जी है, और उनको सुनाने के बाद कुछ शरीर में कुछ लगते है। 8 साल पहले बनाया था कुटीर, पहले मुनि ऋषि गण ऐसा ही भजन करते थे इसमें, क्योंकि ऐसा ही कुटीर बना बना के छप्पर बना बना के इसमें शांति मिलते थे, पक्की कुटी में शांति नहीं मिलते, इतना मोटा सांप आ गया था तो यहाँ पे था, तो हम देख के कुछ नहीं बोला, और भी बहुत कुछ आवाज होते है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ, सबको मन ले हाथ में परखी नचाई हाथ, एक हाथ की मुरलिया लगी पिए अर्धिनी साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं बंसी भट्ट में, आप देखेंगे बंसी भट्ट में ये पूरा जंगल ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इधर आप देखेंगे तो पूरा बनी वन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, वृक्ष आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन वृक्षों के बीच में एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर साधु संत अपनी साधना करते हैं। हम एक कुटिया में हैं, यहाँ पर आपको ले चलते हैं, देखिए ये एक साधु की कुटिया है जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर साधना कर रहे हैं, बंसी बजाते हैं और ठाकुर जी को रिझाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सबसे बेहद प्रिय बांसुरी वो बजाकर यहाँ पर ठाकुर जी की साधना करते हैं और साधना करते हैं। देखिए ये पूरा कितना सुंदर माहौल यहाँ पर है, और इस सुंदर माहौल के साथ साथ आप देखिए ये कुटिया, आप देखेंगे बाबा की ये कुटिया है, और इसी कुटिया में बाबा यहाँ पर जो संत यहाँ पर रहते हैं वो भजन साधना करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इन संत से। ये महाराज जी की कुटिया है और इसी कुटिया में महाराज जी भजन करते हैं। महाराज जी की देखिए इधर आप कुटिया को देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर ऐसी सुविधा आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ भजन करने के लिए ही यहाँ पर सब कुछ रख रखा है। ये महाराज जी का बिस्तर है आराम करने के लिए, और इधर देखिए ये प्रसादी यहाँ पर जो ठाकुर जी के लिए बनाते हैं महाराज जी जो बाबा, और इसी जगह पर बाबा प्रसादी बनाते हैं फिर नीचे साधना करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको नीचे की साइड और दिखाएंगे आपको। देखिए ये महाराज जी की कुटिया है, और ये आप जो देख रहे हैं ये कुटिया जमीन से लगभग 8 फीट नीचे आपको है दिखाई देगी, और इसी जगह एकांत में महाराज जी जो हैं जो संत हैं वो यहाँ पर साधना करते हैं। देखिए आप भी दर्शन कीजिए ऐसे दुर्लभ संतों के, क्योंकि ये ऐसे संत कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, दर्शन करने को मिलते हैं। आप आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णव चरण दास, और बंसीवर में सब बंसी वाले बाबा बोल के जानते हैं, कभी कभी हम बांसुरी बजाते हैं। तो बाबा आप कब से यहाँ बंसीवट में आप रह रहे हैं, यहाँ पर साधना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज 84 कोश में अन्य जगह भी हैं, और आपने बंसीवट को ही क्यों चुना? बंसीवट एकांत है, बहुत शांति है, और 84 कोश हम 17 साल से ब्रज में हैं तो बहुत जगह देख रहा है, 84 कोश भी पदल परिक्रमा दिया, गिरिराजी भी दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बंसीवट। तो यहाँ पे 8 साल से, 2-3 साल था नहीं, 84 लगा था, फिर राधर ने यहाँ पे मेरे जायगा दिया है कुटीर, तो यहाँ पे भजन साधन करते हैं बस। महाराज जी आप जैसे आपने बताया कि आप गोवर्धन में भी रहे, वहाँ पर परिक्रमा दी, तो क्या वहाँ से गोवर्धन छोड़ कर यहाँ एकांत की वजह से आ गए? हाँ, गोवर्धन भी हम 6 साल गिरिराजी परिक्रमा दिया है, चैतन्य बाबा है वहाँ पे जो परिक्रमा देते हैं, उनको शायद भी हम परिक्रमा दिया है कंटिन्यू रोज, तो मुझे यहाँ पे अच्छा, तो हर एक जगह 84 कोश सब जगह में बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे एकांत है, नीर अपराध, मतलब आजकल दुनिया में बात करने से अपराध बन जाते हैं, तो हम जब अपराध ना हो एक आदमी चुपचाप भजन बने, इसलिए बंसीवट अच्छा लगा, या इसलिए भजन करते हैं यहाँ पे। आप भजन जो साधना संत बनने से पहले आप कहाँ के रहने वाले थे, और क्या आपने शिक्षा ग्रहण की है? वैसे तो हम कलकत्ता नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान वहाँ पे रहने वाले, तो हम पहले थोड़ा पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते बांसुरी बजना सीखा है, बांसुरी बजना सीखने के बाद एक संतों के पास गया था, संत ने बोला बाबा तुम तो बांसुरी बजाते हो अच्छा,
तो मेरे ठाकुर जी है उनको सुनाना। तो हम बोले ठीक है बाबा। तो एक दिन सुनाया था, उसी दिन मेरे महाराज जी खाते खाते मेरे खिला दिया था प्रसाद, शीत प्रसाद। तो उसी दिन से मेरे ठाकुर जी के भजन करने की इच्छा हुआ था, और मन में मेरे बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ था। यहाँ पे गोवर्धन एक राजा को लड़का रहे थे, उनको नाम चैतन्य बाबा, उन्होंने 38 साल से परिक्रमा लगा रहे, अभी भी जिंदा है, अभी भी रोज परिक्रमा चल रहा है, दो परिक्रमा। उनको ही देखने आया था, उनको देखने आए हैं तो अभी 17 साल हो गया और नहीं कहीं गए। तो ऐसा ही उन्होंने ऐसा ही मेरे उपदेश दिया था जे भगवान के भजन करो और जिंदगी कुछ नहीं है, भगवान के भजन राम नामी सत्य है। तो ऐसा ही बंशी बटाया, भी वैसे भजन चल रहा है। संगीत की कला आपके पास कैसे आई, मतलब बांसुरी बजाना आपने कैसे सीखा? पढ़ाई करते करते मेरे भैया, उनको बजाना आते थे तो उनको बोला था भैया मेरे सिखा दे, तो थोड़ा सा सिखाया था। सिखाने के बाद जब हम बजा रहे हैं, था बजाते बजाते फिर देखते हैं ठाकुर जी कृपा से उनसे हमारा बहुत अच्छा सीख गए। तो हम जो उनको पास जो हम सीखा था उससे मेरे ज़्यादा सीखना था, तो इतना उनको मालूम नहीं था, फिर दूसरा किसी के पास सीखा था। सीखने के बाद फिर हम संगीत ठाकुर जी के पास से कुछ क्रोस कंप्लीट किया था। फिर मेरे मामा भी करते थे, तो मामा बोला तू यहाँ पे बजा, तो टीवी में बजा सकते हो। तो हम बोला नहीं, हम ठाकुर जी के वहाँ ब्रज राशि को वहाँ पे ठाकुर जी के वहाँ पे वही मेरे टीवी वही सब कुछ है, और हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे वृंदावन बाँसुरी जानते हैं, बाजा भी आते हैं, ढोलक भी आते हैं, सनाई भी आते हैं, पैर भी आते हैं, 4-5 तरीके आते हैं ठाकुर जी कृपा से। आपके मामा ने आपसे कहा था कि टीवी की दुनिया में आप जा सकते हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने भजन को ही चुना, ऐसा क्यों भजन को आपने चुना? मेरी इच्छा था जिंदगी के, वहाँ भी सत्संग किया था तो वहाँ भी बहुत प्रोग्राम किया था, बांसुरी बजाए मेरे बहुत जगह, बढ़िया जगह हम गाड़ी ले गए, पैसे भी दिए, माला भी चढ़ाए, बढ़िया खिलाए, तो शांति नहीं मिला था। तो फिर सोचा जे देखें राम नाम जब छत्ते हैं तो ठाकुर गुरु जी, वहाँ पे एक संत ने बोला तुम ठाकुर जी की सुनाओ बांसुरी, ये सब चीज़ तुम्हारा ज़्यादा कृपा होगा। तो फिर उनको बात सुन के भी ठाकुर जी के सुनाते थे, तो ठाकुर जी के सुनाते थे मेरे बहुत कुछ कृपा मिला। तो बहुत संत ने, बहुत आदमी ने, कथा वाले आए हैं मेरे पास, हम कभी नहीं गए। 17 साल के अंदर मात्र सिर्फ एक दिन 1 घंटा के लिए राधा रमन को जो गोसाई जी आया था चंदन गोस्वामी, उनके साथ एक दिन टीवी में बजाया था बांसुरी, और 17 साल के अंदर एक दिन ही बजाए। और ठाकुर जी के हम सुनाते हैं, कभी कोई कथा में ना, बाहर भक्तों ने बहुत आते बाहर से, दिल्ली बम्बई कहाँ कहाँ से, हम कभी नहीं जाते, मेरे ठाकुर जी मेरे सब कुछ है, यहाँ पे सुनाते, वैसे ही मेरे असली धन है। बाबा आप जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं धरती के नीचे, मतलब जमीन के नीचे, आपने कुटिया ये कैसे बनाई और कब बनाई थी आपने? 8 साल पहले बनाया था कुटीर, पहले मुनि ऋषि गण ऐसा ही भजन करते थे इसमें, क्योंकि ऐसा ही कुटीर बना बना के, छप्पर बना बना के, इसमें शांति मिलते थे, पक्की कुटी में शांति नहीं मिलते। तो इसमें ऐसा ही लेबर दे के यहाँ के ब्रजवासी को लेके धीरे 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 करके दीवाल बना रहा था, फिर भी टूट रहा था, फिर बना रहा, फिर टूट रहा था। उसी दिन बारिश हो रहा था तो मुझे तो बनाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत धीरे 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 करके बनाए, बना के बस ठाकुर जी कृपा से अभी बहुत शांति मिल रहा है, बस ऐसा ही ठाकुर जी कृपा। यहाँ पर जब भजन कर रहे हैं, ये बांसुरी बजाते, कोई भी सुविधा नहीं है, ना पंखा है, ना कोई ऐसी लाइट है, तो सब कुछ चल जाता है आपका काम बिना पंखे के? ठाकुर जी कृपा से गुरुजी बोला बेटा ज़्यादा कुछ भोग मत करना, जितना तुम्हारा चाहिए इतना ही लेना, और ज़्यादा भोग करोगे तो ज़्यादा कोई सहारा लोगे तो तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। गुरुजी एक बात बताते थे मेरे, बोले एक रोटी खाओगे तो रात 1 बजे उठना, 2 रोटी खाओगे तो रात 2 बजे, 3 रोटी तो रात 3 बजे, 4 रोटी तो रात 4 बजे। तो ऐसा ही, तो बोले पंखा के हवा ज़्यादा खाओगे तो लेट जाओगे, इसलिए इतना नहीं, जितना तुम्हारा ज़रूरत हो इतना ही लेना, और चुपचाप भगवान के भजन करते करते देखना तुम्हारा एक दिन कृपा जरूर होगा। ठाकुर जी साक्षात है और भजन करने के बाद ही अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हाँ, ठाकुर जी की बहुत कृपा, जंगली पड़े हैं, कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई ना कोई कैसी भी खाना पीना व्यवस्था, माधुगुरी भिक्षा ले आते हैं ब्रजवासी,
ब्राह्मण घर से गोसाई जी घर से ले आते हैं, बस ऐसे ही कृपा से। तो भिक्षा मांग की कार्य चलता है आपको, भोजन वगैरह जो होता है? हाँ, भिक्षा ले आते हैं, कभी ले आते हैं भिक्षा, कभी बना भी लेते हैं, ऐसा ही ठाकुर जी कृपा। मेरे आचार्य, हमारा गोड़िया संप्रदाय का आचार्य बोला, भिक्षा भी इतनी सबसे बढ़िया है, हमारा आचार्य देखे गए जितना तक चल जाए भिक्षा, और जब पेट का भी गड़बड़ हो जाते हैं तो गांव से ले आते हैं भिक्षा, बस आनंद है, बहुत कृपा है ठाकुर जी के। जब आप ढोलक हारमोनियम बांसुरी जब बजाते हैं तो राधा रानी को कैसे रिझाते हैं आप? देखो ठाकुर जी जब सुनाते हैं ना तो कुछ महसूस होते हैं अंदर ठाकुर जी के पास, एक मतलब कृपा होते है, ये कभी कभी अनुभव होते हैं जिन हाँ ठाकुर जी है, और उनको सुनाने के बाद कुछ शरीर में कुछ लगते है, जैसे 17 साल से ब्रज में हैं, मालूम पड़ते ना ठाकुर जी है, कृपा है। और गुरु जी भी बोला था, बेटा कहीं नहीं बजाना, ठाकुर जी के सुनाना सिर्फ, देखना तेरे कृपा होगा। तो बात सही किया गुरु जी, जब कभी कभी सुनाते हैं ठाकुर जी के, एकदम सही ईमानदारी से, एकदम कृपा तो होते ही रहते। तो ऐसा ही जब ठाकुर जी के सुनाते हैं, कुछ ना कुछ होते रहते हैं अंदर, यही है कृपा। बाबा, ब्रजवास और ब्रजवासियों के प्रति आपका क्या भाव है? ब्रजवास सबसे ज़्यादा कृपा है, और ब्रजवासी को गुरुजी बोला, बेटा ब्रजवासी को अनुगत में भजन। कैसे? देखो ब्रजवासी लोग यहाँ पे ब्रजवासी को भक्ति बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है, बाहर पैसा बहुत ज़्यादा भक्ति बहुत कम है, तो ब्रजवासी जैसे चल रहा है उनको अनुगत लेके भजन करना। जैसे ब्रजवासी लोग साधारण जीवन, एक आचार दो चार रोटी, उसमें खुश है, तो ऐसा ही जिंदगी, ऐसा ही मतलब अगर भजन करके आप आगे बढ़ोगे ना तो बहुत, और अनुगत तो ब्रजवासियों को अनुगत में, हमारा भागवत में भी ऐसा ही लिखा, हमारा आचार्य जोगन ऐसा ही बोल के गए जब ब्रजवासी अनुगत में भजन, और ब्रजभाव तो साक्षात ब्रजवासी को जो प्यार, ओह बोलो मत, बहुत ब्रजवासी इतना प्यार का घर में ले जाते हैं ना, बाबा बाबा आइए आइए, गरम गरम रोटी खिलाए, जैसे दामाद को प्यार करते हैं ऐसा बाबा जी लोग को प्यार करते हैं। हम लोग हुआ जब ब्रजवासी घर जाते हैं ना तो बेग जाते हैं हम लोग उनको भाव देख के। बाबा आप एकदम घोर जंगल में है, एकदम यहाँ कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई गाड़ी ना कुछ, सिर्फ रास्ता पैदल या बाइक से आ सकता है कोई भी, तो इस जगह आपको कोई रात में भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? कभी कभी आवाज़ हो जाते हैं तो रहते रहते एक पट्टी हो जाते हैं, वैसे बहुत तरीका है यहाँ पे सांप, अभी हम मोबाइल नहीं ले आए, बहुत बड़ा सांप आया था अंदर है मोबाइल, इतना मोटा सांप आ गया था तो यहाँ पे था, तो हम देख के कुछ नहीं बोला, और भी बहुत कुछ आवाज़ होते है, बहुत कुछ कीड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत तरीका कीड़ा है देखा है, तो ठाकुर जी के पास कभी डर नहीं लगते, क्योंकि सारी ज़िंदगी भजन ही करना है, अगर डर पाएंगे तो भजन कैसे करेंगे, इतना गहरा जंगल में कोई नहीं रह सकते, बहुत बड़ा बड़ा महापुरुष आए हैं यहाँ पे रहे हैं, तो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा है ना, दिन में भय लगते है आदमी लोग को, तो कृपा है, कोई डर पाए अगर कोई ना, ज़िंदगी तो एक दिन मरना ही है, अगर मर जाए तो क्या होगा, हमारा कोई पीछे आगे बोलने का कोई नहीं है, सिर्फ राधा रानी है, बिल्कुल विश्वास है, एकदम साक्षात राधा रानी है, उनको बिना और कोई नहीं है, साक्षात राधा रानी है, और विश्वास और पार राधा नहीं करेगा, और किसी की हिम्मत नहीं है, गुरु वैष्णव और ठाकुर जी। बाबा बरसों से यहाँ पर ये भजन साधना कर रहे हैं, ऐसा कभी आवास हुआ है कि कोई राधा रानी या ठाकुर जी आपसे मिलने दर्शन देने के लिए कभी? बात ये है, हमारा आचार्य का भी ये बात बोला है जी, ऐसा है कभी भजन करने के बाद अगर कोई अनुभव हो व कुछ भी हो, ये चीज़ बोलना मत, हमारा आचार्य के नियम है कभी बोलना नहीं, यहाँ भी एक नियम था, तो एक ब्रजवासी ने ठाकुर जी ने बोला था उनको जे हमारा जब तुम दर्शन किया है यहाँ पर रास मंडल कुछ कुछ, तो तुम किसी को बोलना मत, जब कोई ब्रजवासी ने बोल दिया था तो ख़त्म हो गया था, तो कोई बात नहीं, तो बात ये है हम इतना तक बोल सकते हैं कृपा है ठाकुर जी, कृपा है, अभी इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम नहीं बोल सकते हैं, कि एक चीज़ हमारा, ये चीज़ हमारा आचार्य मना किया है, हम इतना तक बोल सकते हैं साक्षात ठाकुर जी है, इसमें हम अनुभव किया है, भगवान साक्षात है, इसको प्रमाण 17 साल से भजन करने के बाद बहुत कुछ अनुभव किया, और जो कुछ कुछ छोसा है एकदम 100% मेरे सफल हो गया काम। बाबा आप ठाकुर जी को बांसुरी सुनाते हैं, तो एक बार सुना सकते हैं ठाकुर जी को आज फिर दोबारा से?
बिल्कुल सुनाएंगे ठाकुर जी। हम तो बोलेंगे हम साक्षात गिरधारी लाल को सुना रहे हैं साक्षात। तो अभी हम राग पुड़िया अभी का टाइम धुन सुना रहे हैं राग पुड़िया। और एक धुन सुनाएंगे हम राग शिवरंजनी छोटा सा बांसुरी लेके, जो धुन ठाकुर जी साक्षात रास मंडल में राग शिवरंजनी बजाया था रात 12 बजे, जितना 16,000 गोपी ने आया था उसी धुन सुना रहे हैं। बहुत सुंदर आपने बांसुरी बजाकर दिखाई और ठाकुर जी को रिझाया, बहुत सुंदर बाबा। और बाबा आपके लिए एक छोटा सा ये कि भाग्य बिहारी जी जय हम बहुत भगवान हैं, कितना बढ़िया साक्षात बांके बिहारी साक्षात बिहारी जी वहाँ से बंशी बटाए हैं। उनको तो एक नाम बांके बिहारी, एक नाम राधा रमन, एक नाम राधा दामोदर, राधा श्यामचंद्र, सभी नाम है ठाकुर जी के, तो साक्षात मेरे पास आ गए, बहुत बड़ा कृपा है। तो यही कृपा है, जय जय कृपा बने रहे। राधे 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 राधे, जय जय बांके बिहारी लाल की जय। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये संत जो घोर जंगल में धरती के नीचे 8 फीट नीचे भजन साधना करते हुए यहाँ पर हैं और ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनकी बेहद प्रिय बांसुरी बजाते हैं। कहते हैं कि दिन की शुरुआत भजन से होती है और रात भी भजन में ही बीत जाती है, सिर्फ चिंता है तो सिर्फ ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आ गए। कह रहे थे कि एक परिजन ने इनसे कहा था कि टीवी की दुनिया में आप जाकर भी बांसुरी बजाते सकते हैं, लेकिन इन्होंने चुना ठाकुर जी का रास्ता और आज यहाँ पर भजन कर रहे हैं। राधे राधे।